हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एंड कैसे हैं आप लोग? ये है मॉर्निंग का टाइम, सुबह का बज रहा है 5। तो देखिए, मैं उठ चुकी हूँ और बनाने जा रही हूँ खाना अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो सुबह सुबह जाएंगे ड्यूटी। आप लोगों को पता है कि उनका ड्यूटी का समय 7:30 बजे निकल जाते हैं घर से। और देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ, क्या बनाने जा रही हूँ। एंड वीडियो में आप लोग बने रहिए और देखिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, बेसन का घोल मैंने पेस्ट बना लिया है और कढ़ाई में तेल को डाल दिया है। अब मैं छोटी छोटी सी पकौड़ी तलूंगी, इसमें नमक डाल दिया है और देखते हैं कितनी स्वादिष्ट बनती हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए और मज़ा लीजिए मेरे ब्लॉग का। तो मेरे ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और छोटे से चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और गाइस, मेरा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के चैनल को प्रेस कर लीजिए, घंटी का प्लस जरूर दबा देना ताकि कोई भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और देखिए, ये मैंने सारी पकौड़ियाँ कढ़ाई में चुआ चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ। और डालने के बाद ये थोड़ा सा रेड हो जाती हैं, इनको पका के तब देखिए। आप लोग आइडिया लगाइए कि मैं क्या बना रही हूँ, जल्दी से आइडिया लगाइए और कमेंट में करिए कि मैं क्या बना रही हूँ भाई। तो सुबह सुबह भाई, तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती है, एक हाथ से कैमरा संभालती और एक हाथ से बनाती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं ना गाइस। तो आप लोग आइडिया बनाइए, लगाइए कि मैं क्या बना रही हूँ। तो देखिए, मैं पकौड़ी तल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा होगा कि सुबह 5 बजे मैं पकौड़ी तल रही हूँ। तो क्या लग रहा है कि इससे लग रहा है कि मैं चाय बनाऊँ और पकौड़ी मैं बहुत खाऊँ, खाने का मन तो कर रहा है। शाम को कल मैंने बनाई थी प्याज की पकौड़ी बनाई थी आप लोगों के साथ, ब्लॉग मैंने नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब नाराज़ हो गई थी खाने के टाइम से, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो देखिए, मैं आप लोग बताइए कमेंट में आखिर ये बन क्या रहा, और वीडियो में पूरे बने रहिए अगर देखना है तो। तो गाइस, क्या मैं बता सकती हूँ या आप लोग कमेंट में बताएंगे कि मैं क्या बना रही हूँ? तो देखिए, पकौड़ी अच्छी तरीके से पक चुकी हैं, मैं एक एक पलट रही हूँ, लाल हो चुकी है पकौड़ी। और मैं जो है इनको एक थाली में निकालूंगी गैस, है ना। तो देखिए, ये है मसाला। मसाले में क्या है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्चा, हर एक चीज़। मैं लाल मिर्च नहीं खाती हूँ, ग्रीन मिर्च खाती हूँ। और देखिए, मैं लहसुन को थोड़ा सा छील लेती हूँ, और लहसुन तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा महंगा हो गया, मगर खाए बिना भी नहीं बनेगा। जो चीज़ खाने की आदत लत लगी हुई है वो कैसे मानेंगे ना। तो मैं लहसुन को जल्दी जल्दी से फटाफट से छील लेती हूँ। और गैस, मैं घर पे अकेली ही हूँ क्योंकि सीनू भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी हमारे सो रहे हैं, बिटिया भी हमारी जग रही है, वो बिटिया हमारी हमारे साथ जग जाती है गैस। तो अकेले मैं ही किचन पे हूँ और वीडियो को शूट कर रही हूँ। तो हमारी पकौड़ियाँ एकदम से लाल हो गई हैं और पक चुकी हैं गैस, पक चुकी हैं, एकदम पक गई हैं। तो मैं इनको एक थाली में निकाल लेती हूँ, बड़ी थाली में निकालती हूँ। देखिए, माय गॉड, ये क्या हो गया। तो मैं इन थाली में इसको निकाल लेती हूँ। थाली में निकालने के बाद डालती हूँ कढ़ाई में। अच्छा, थोड़ा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद में तब तक वो तेल जो है ना, मसाला पक जाए। तो देखिए, मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू गाइस। मेरा घर एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, कमरे में अंधेरा है फिर क्यों, क्योंकि सब लोग सो रहे हैं और मैं जहाँ पर हूँ वहीं की लाइट जलाती हूँ, जहाँ रहती हूँ वहीं की लाइट जलाती हूँ। तो देखिए, मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू को ही ऐसे लगाया जाता है, तो मुझे सुबह सुबह सब तरफ देखना पड़ता है, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, बर्तन धो लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने डाल दिया है तेल में लहसुन, और लहसुन एकदम पक रहा है गाइस। मसाले भी डाल चुकी हूँ मैं, अब मसाला को एकदम से भून लूँगी। बहुत अच्छी महक आने लगी है भाई मसाले में, बहुत ही टेस्टी बन गया है, बहुत टेस्टी बन रहा है। और गाइस, मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिना सब्सक्राइब किए भी ये चैनल को नहीं जाना। अगर उसकी आँख में पड़ गया ना
तो डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो गाइस ये सीनू है ना बिटिया को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, वीडियो को एडिट नहीं करने दे रहे हैं। तो देखिए बेसन का घोल है जो कि मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और इसमें डालने के बाद इसको पूरा सब मिक्स कर देती हूँ मसाले में। अरे यार थोड़ा सा पानी कम पड़ गया, पानी इसमें कम लग रहा है और डाल देती हूँ। तो देखिए मैंने कढ़ाई में पानी को डाल दिया है और इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डालना है और आप लोग भी डाल लेना। ये खटाई है गाइस, खटाई आम की खटाई है, इसको डालने से अब आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बना रही हूँ ना। तो पकौड़ी जो ये बनाई हुई है इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं फोड़ देती हूँ, ताकि तोड़ने से ये होता है कि जूस इसके अंदर चला जाएगा और रसा भी गाढ़ा हो जाएगा, है ना गाइस, तो खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो देखिए मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा फोड़ दिया है, सारी पकौड़ी नहीं फोड़ना है, अब इनको मैं इसी में ऐड कर दूँगी। ऐसे डाल दीजिए, और ऐसे डालने के बाद सारी पकौड़ियाँ मैंने इसमें डाल दी। आप लोग अब जान सकते हैं मैं क्या बना रही हूँ, है ना। इधर हमारी बिटिया बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत रो रही है क्योंकि मेरे साथ उठती है कोई देखने भालने वाला है नहीं भाई, मैं किराए पर रहती हूँ, वैसे घर पर भी रहती तो कौन देखता, वहाँ भी अकेली हूँ तो हूँ, और रो रही है, उसको भी देख रहे हैं और इधर भी बना रहे हैं। तो गाइस ये है कढ़ी, कढ़ी का सरप्राइज मैंने दे दिया आप लोगों को, जिसको जिसको खाना है आ जाए। हाँ तो यूट्यूब के पीछे, वीडियो के पीछे पागल होना पड़ता है गाइस, और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। करिए जल्दी जल्दी से, झाड़ू लगाने के लिए भी पड़ा हुआ है अभी, और खाना बनाने के लिए भी पड़ा हुआ है, बिटिया बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है गाइस। अरे मेरा ब्लॉग तो बहुत ही ज़्यादा धांसू बन गया, प्लीज़ फुल वीडियो देखना ज़रूर, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। क्यों रो रही है बिटिया कनक, ए कनक क्यों रो रही है, मुझे तो काम बहुत करना है, सुबह सुबह उठ के बैठ जाती है मेरे साथ। तो देखिए मैं सीनू को पहले जगाती हूँ, सीनू ये देखो कथरी ओढ़ के पड़ा हुआ है, कथरी ओढ़े हुए है, उठ जा चल बिट्टी को देख चल के, वो जो रो रही है ये भाई नहीं जगेगा। मैं वापस चली आई और मैं फिर से अपनी बिटिया को गोदी में उठा लेती हूँ भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान। तो दोस्तों फिलहाल खाना बन चुका है हमारा, सब्जी और कढ़ी की सब्जी और रोटी और चावल सब बन गया है। तो दोस्तों मैं सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ता है और एक हाथ से कैसे काम करूँ, और कोई करने वाला नहीं है हमारे साथ। तो देखिए हमारी बिटिया भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, और अभी 10 बज रहा है, मैंने खाना नहीं खाया है, 11 बजने वाला है, अब जा रही हूँ मैं खाना खाऊंगी, और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो बन गया है, देखते हैं टेस्टी बना है कि नहीं, कि कोफ्ते की तरह ख़राब हो गया। आय मम्मी, तो गाइस धूप बहुत ज़्यादा है, बाहर देख सकते हैं आप, गेट खुला हुआ है, धूप बहुत ही ज़्यादा खुल गई है, और अभी हम शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए हो जाएंगे रेडी, और शॉर्ट वीडियो में आप लोग प्यार दुलार दीजिए मुझे और सपोर्ट करिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा। तो पता नहीं मेरा चैनल को क्या हो गया है, कुछ सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और अभी खाना खाते हैं, मिलते हैं फिर। दोस्तों मैंने खाना निकाल लिया है, आइए खा लीजिए जिसको जिसको खाना है। तो देखिए सुबह का ये देखिए, तो कैसा लगा मेरा खाना? हाँ तो जिसको जिसको खाना है आ जाए फटाफट से। तो हमें लग रहा है वेरी टेस्टी, आई वाओ। दोस्तों बता नहीं सकती, आप लोग बोलोगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बहुत अच्छी कढ़ी बनी हुई है ना बिट्टू, है ना बिटिया। हमारी सोच रही होंगी पता नहीं मम्मा क्या किया करती हैं,
और आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा ओटर। ये देखिए मेरे बिट्टी का ओटर, ये देखिए तो ये हमारी बिटिया का गिलास है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो छोटे छोटे ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है और जल्दी जल्दी से जाके सपोर्ट कर दीजिए मेरा और चैनल को आगे बढ़ाइए। और फिर मैं रेडी होती हूँ शॉर्ट वीडियो के लिए। ओके बाय बाय।